नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबिता। यूपी में आज जो योगी राज में पुलिस की छवि बनी है वो शायद ही पहले कभी रही होगी। जनता के सामने जो पुलिस की छवि दागी और बागी किस्म की थी, यहां तक कि पुलिस के पास जाकर मदद मांगने के लिए जनता को डर लगता था। लेकिन जब से योगी सरकार आई है और पुलिस जिस तेजी से एक्शन ले रही है उसने जनता की सोच को बदल कर ही रख दिया है। हर कहीं पर बस पुलिस के कारनामों की ही चर्चाएं हैं और आए दिन इनके कारनामों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर दिखाई देती है। इसी बीच उन्नाव से एक और तस्वीर सामने आई है जिसने पुलिस के प्रति लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया में इंसानियत अभी जिंदा है। ये बात और भी बड़ी तब हो जाती है जब कोई वर्दी वाला लोगों की मदद करते हुए नजर आ जाता है। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के उन्नाव से सामने आई है जो पुलिस के प्रति लोगों की राय बदल रही है। यहाँ एक सड़क हादसे में बुजुर्ग जख्मी हुआ तो ट्रैफिक प्रभारी अरविंद पांडे ने उसे तुरंत ही अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी तक ले गए, जिसके बाद अस्पताल ले जाकर उसका उपचार कराया गया। यातायात प्रभारी अरविंद पांडे की ये तस्वीर अलग अलग तरह से लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि अब ये पहले वाली पुलिस नहीं है, उत्तर प्रदेश की नई पुलिस है। सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग की मददगार बनी उन्नाव पुलिस अब सुर्खियों में आ गई है। ट्रैफिक प्रभारी अरविंद पांडे की फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दरअसल जिले के बदरका चौराहे पर एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार एक बूढ़ा आदमी घायल हो गया था। वहीं मौके पर यातायात व्यवस्था में लगे प्रभारी उपनिरीक्षक अरविंद पांडे ने बुजुर्ग को तत्काल गोद में उठाया और मौके पर अपनी गाड़ी से नजदीक के नर्सिंग होम ले गए और उसका उपचार करवाया। साथ ही बुजुर्ग के परिजनों को भी सूचित कर दिया। पुलिस की तेजी से इस तरह की सहायता को देखकर बुजुर्ग और स्थानीय लोगों ने यातायात प्रभारी की काफी सराहना की। अब इस तरह की फोटो सामने आने के बाद लोगों की विचारधारा पुलिस के प्रति भी बदल गई है। ऐसे लोगों की नजर में पुलिस का सम्मान और ज्यादा बढ़ गया है। इस पर उन्नाव पुलिस अधीक्षक दिनेश त्रिपाठी ने कहा कि पुलिस लगातार लोगों की मदद कर रही है। इस तरह से फोटो आने के बाद लोगों में एक संदेश जा रहा है। जिन लोगों में पुलिस के प्रति गलत धारणा थी, इसके बाद कहीं ना कहीं वो भी बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक प्रभारी अरविंद पांडे ने बेहद सराहनीय काम किया है। उन्नाव पुलिस के ट्विटर हैंडल पर भी एक स्टिकर पोस्ट किया गया है जिसमें फोटो के साथ लिखा गया है कि सड़क दुर्घटना में घायल बुजुर्ग की मददगार बनी पुलिस। आप देखते रहे कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।